हेलो डियर लर्नर्स वेलकम अगेन टू सीनियर सी कोर्स नाव गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन विद हेल्प ऑफ कंसेंट्रेशन सो कंसेंट्रेशन की हेल्प से हाउ वी कैन आइडेंटीफाई विच वन इज दिच वन इज द अनसेमी सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सो लेट जस्ट डिस्कस अबाउट अनसे अनसे मतलब क्या है इट हैज लेस देन दैक्सिम कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट डिजॉर्ट तो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन जितनी होनी चाहिए सल्यूट की एक सोल्यूशन को फॉर्म करने में उससे अगर थोड़ी सी लेस क्वांटिटी हो ऑन दैट केस वील से दैट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर सल्यूट uh, है एंड सोलवेंट है लोगों तो ने डिस्कस भी किया था सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी के बारे में तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए उसकी वो नहीं है नेक्स्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होगा हैज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व कैन सी सॉलिड इन बॉटम ऑफ दल्यूशन सो यहां पर क्या होगी कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेक्टेड कंसंट्रेशन से क्या होगी थोड़ी सी ज्यादा होगी जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर कंसेंट्रेशन सोल्यूट की क्या है थोड़ी सी ज्यादा है एज एक्सपेक्टेड कंसेंट्रेशन फॉर मेकिंग अ सोल्यूशन सो वी कैन से दैट दिस इज सैचुरेटेड सोल्यूशन अनदर एग्जाम्पल और अनदर इज द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन केस में क्या होगा कंटेन्स मोर डिजोल्व सोल्यूट

हम क्या करेंगे उस कंटेनर को जिस भी कंटेनर में हम सोल्यूशन बना रहे हैं उस कंटेनर को क्या करते हैं हीट देते हैं सो गैस बर्नर पर उसको रख करके हम जब हीट करते हैं तो डिजोल्विंग पावर एक तरीके से बढ़ जाती है तो वील सी हियर वी कि जो नॉर्मल डिजोल्विंग पावर होती है वो टेम्परेचर देने से बढ़ जा रही है और वहां पर मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व बट ये भी एक लिमिट तक होता है आफ्टर बियॉन्ड दिस लिमिट क्या होगा फर्दर सोल्यूट सोल्ट में डिजोल्व नहीं होगा on that case we we'll, uh, we can say that this is the super saturated solution ye kya hai example kya hai kiska super saturated solution ka so you can see on your screen that here what you see ki solute and solvent dono ki quantity lagbhag same ho gayi hai theek hai first of all कोई भी चीज किसी particular चीज में dissolve क्यों होती है For example if यू डिजोल्व solid सॉल्ट और शुगर इन वॉटर वट वी कैन सी वट विल हैपन इन दिस केस क्या होता है कि जो वॉटर मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच कुछ स्पेसेस होते हैं अगर मैंने एक ग्लास वॉटर लिया उसमें एक स्पून अगर हम शुगर डाल रहे हैं तो वॉटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा शुगर के पार्टिकल्स उस स्पेस को कैरी कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बिकॉज जो स्पेस है वो तो थ्रू आउट दोल्यूशन सेम होगा तो उनकी कंपोजिशन भी उनकी कंसंट्रेशन भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है ओके बट व्हाट हैपन अगर हम एक चम्मच शुगर डाल रहे हैं तब तो वो डिजोल्व हो जाएगा हमने दो चम्मच शुगर डाली एक ग्लास वाटर में तो भी डिजोल्व हो जाएगा बट वॉट हैपन इफ यू पुट मोर देन टू स्पून ऑफ शुगर इन वन ग्लास ऑफ वॉटर ऑन दैट केस विल सी कि फर्दर अगर हम उसको डिजोल्व करें तो वो डिजोल्व नहीं होता है तो जब हम डिजोल्व करें सुलूट की क्वांटिटी कम है सॉल्वेंट में एक्सपेक्टेड तो थोड़ी सी ज्यादा होगी दिस इज सैचुरेटेड सोल्यूशन और अगर उसमें फर्दर डिजोल्व नहीं हो रहा है उसको हम हीट कर रहे हैं कंटिन्यूसली और ड्यूरिंग द हीट कंडीशन अगर उसमें डिजोल्यूशन हो रहा है और एक टाइम के बाद अगर वो डिजोल्यूशन बंद हो गया तो वो पॉइंट जहां पर फर्दर डिजोल्व नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम कहेंगे क्या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन सो दिस इज अबाउट डिसॉल्विंग पावर और कंसंट्रेशन फॉर सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड एंड सेमी सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन ओके सो ऑन योर स्क्रीन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन अनसैचुरटेड सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि वट डू मीन बायचुरेटेड एंड सुपर सैचुरटेड सोल्यूशन गिव सम्पल्स तो आपको अगर पता है तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो मोर सोल्यूट डिजोल्व इसल्यूशन नो मोर सोलूट डिजोल्व इसकेस में क्या होगा कि हम उसको हीट करते जा रहे हैं हीट करते जा रहे हैं फर्दर डिजोल्यूशन तो हो रहा है बट इट विल फर्दर कन्टेड इन टू डाउन पहले तो हमने उसको हीट किया को करते गये, करते गए गए एक ऐसा आया जहां पर फर्दर कैन नॉट बी डिजोल्व इन टू बट आफ्टर कूलिंग इट वट विल हैपन इट विल कंप्लीटली कन्वर्टेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म जैसे कि शुगर को जब हम पानी में डाल करके हीट करते हैं चाशनी बनाने के टाइम पे जो घरों में चाशनी भी बनती है तो उसमें हम क्या करते हैं पानी में शुगर को डालते हैं और हीट करते हैं स्टीयर करते हैं और आफ्टर कूलिंग डाउन इट विल बी कन्वर्टेड फॉर्म अगर इतना अमाउंट हो गया है उस शुगर का कि फर्दर उसमें वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आफ्टर कूलिंग डाउन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू क्रिस्टल आइन फॉर्म देन दिस इज कॉल्ड अन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तो यहां पर हो क्या रहा है थ दी हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ कंसेंट्रेशन वी कैन आइडेंटिफाई विदर इट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरटेड और सुपर सैचुरेटेड कम कंसेंट्रेशन होगी अनसेड होगा कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी फर्दर डिजोल्व नहीं हो रहा है तो उसे हम सैचुरेटेड कहेंगे फर्दर हम हीट कर रहे हैं और फिर अगर उसका डिजोल्यूशन हो रहा है और एक लिमिट के बाद बंद हो जा रहा है तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन सो दिस इज अबाउट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन लेट जस्ट डिस्कस अबाउट सोल्युबिलिटी सोलबिलिटी होती क्या है जैसा कि मैंने पहले भी बताया सोलिबिलिटी इज डिपेंड्स अपॉन दी द स्पेस इन बिट्वीन टू पार्टिकल्स ऑफ दॉल्वेंट तो सोलवेंट के दो पार्टिकल के बीच में जितना ज्यादा स्पेस होगी सोल्यूट की सोलिबिलिटी उसके अंदर उतनी ही ज्यादा होगी और यही रीजन है कि हम कह सकते हैं कि वॉटर इज कॉल्ड गुड सॉल्वेंट इन लेबोरेटरी सो लेबोरेटरी पर्पज से वी ऑलवेज यूज सॉल्वेंट एज अ वॉटर तो वॉटर को एज अ सॉल्वेंट हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं वाई बिकॉज जो वॉटर की सोल्वेशन पावर होती है वो ज्यादा होती है सो वॉट डज मीन सोलबिलिटी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिजोल्व इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रोड्यूस अचूरेटेड सोल्यूशन अभी फर्दर टर्म आ गया सैचुरेटेड सैच्यटेड का मतलब क्या होता है कि हमने सल्यूट को सॉल्वेंट में डाला अब उससे ज्यादा सल्यूट उसको उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा है तो जिस लिमिट पर वो सल्यूट फर्दर सोल्वेंट में डिजोल्व होना बंद हो जा रहा है बिना हीट किए उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे तो सोलबिलिटी है क्या द अमाउंट ऑफ दैट सोल्यूटॉल्व सर्टेन अमाउंट ऑफ अ एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर तो गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर यहां पर प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी यहां पर क्या हो रहा है अप्लाई हो रहा है और उससे हमें जो सोल्यूशन मिल रहा है सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे सोल्यूबिलिटी बोलेंगे सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी

हम उसको शेक करते हैं ठीक है जब उसको शेक करते हैं तो क्या होता है कि उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज होगा क्या कि कोलिजन मोर द पार्टिकल्स आर कोलाइड टूगेदर दे विल मिक्स टूगेदर ईजिली तो शेकिंग करने पर होगा क्या मॉलिक्यूल्स भी शेक करेंगे उनका कोलिजन होगा आपस में टकराव कई बार होगा तो कई बार अगर टकराव होगा तो उससे क्या होगा सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर सो इंक्रीज टेम्परेचर कॉज सॉलिड टू डिजोल्व फास्टर इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया है कि अगर हम टेम्परेचर किसी चीज को देते हैं किसी भी सोल्यूशन को तो उसमें सोलूड की जो रिजोल्यूशन पावर है टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है बिकॉज टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि दो जो सोलवेंट के जो दो पार्टिकल्स हैं दो मोलिक्यूल्स हैं जब भी हम टेम्परेचर देंगे तो उनके बीच का जो स्पेस है वो और बढ़ जाएगा बिकॉज उनके बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा वीक हो जाएगा आफ्टर गिवन समेचर तो जैसे हम टेंपरेचर देंगे उनके बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा तो सलूट ज्यादा सलूट उस स्पेस में उस स्पेस को कैरी कर पाएंगे दैट इज द रीजन कि वहां पर क्या होता है सल्यूट uh, दो सल्यूट इजिली डिजोल्व हो सकते हैं अनदर इज पार्टिकल साइज सो स्मॉलर पार्टिकल डिजोल्व फास्टर बिकॉज दे हैव मोर सरफेस एरिया तो स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत तेजी से डिजोल्व हो जाते हैं एज कम्पेयर टू तो बिगर पार्टिकल्स जैसे कि आपने देखा भी होगा अगर हम शुगर के दो टाइप की शुगर लेते हैं अगर हम एक आ, सिंपल जो जो रॉ शुगर लेते हैं बहुत ही सिंपल जिनके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हो और एक हमने ऐसे पार्टिकल वाली शुगर लिए जिनके पार्टिकल्स काफी बड़े हैं तो दोनों के केस में अगर आप ग्लूकोज ले लीजिए और नॉर्मल शुगर ले लीजिए उन दोनों को अगर हम वॉटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो कौन पहले डिजोल्व होगा ग्लूकोज डिजोल्व होगा बिकॉज ग्लूकोज के जो पार्टिकल्स है वो क्या है छोटे हैं और उस केस में क्या होगा

डिजोल्विंग पावर क्या होगी पहले घटेगी उसके बाद क्या होगा पहले तो बढ़ती है पावर 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 क्योंकि एक एक चम्मच चम्मच डाला डाला दो डाला, तो उस केस में क्या क्या होगी Dissolving power बढ़ेगी बट टाइम ऐसा आएगा जहां पर power क्या हो जाएगी घट जाएगी फिर फर्दर उसको हम टेम्परेचर ते देते हैं ऑन दैट केस उसकी डिजॉल्विंग पावर फिर बढ़ती है लेकिन फिर एक स्टेज आने पर उसमें फर्दर डिजोल्विंग नहीं हो सकती क्योंकि टेम्परेचर भी अगर हम दे रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बढ़ेगा बट एक लिमिट तक बढ़ेगा उसके बाद नहीं बढ़ेगा तो ऑन दैट केस वी कैन से दैट की मोर दूट डिजॉल्विंग पावर की जो रेट होगी हमेशा बढ़ेगी नहीं नेक्स्ट विद हेल्प ऑफ डिजोल्यूशन वी कैन इजिली आइडेंटिफाई विच वन इज द मिसिबल विच वन इज द इनमिसेबल तो ये जो दो टर्म्स हैं ये सोलिबिलिटी से ही आए हैं बट ये दो टर्म्स की मीनिंग को समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है अब इफ वी कांट अंडरस्टैंड वी कांट अंडरस्टैंड अबाउट दिस सोलबिलिटी क्योंकि ये दो टर्म आपके कई बार वन मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है कि आर मिसिबल सोलवेंट एंड वन इज द दिसिबल तो मिसिबल एंड इमिसिबल का मतलब क्या है लेट जस्ट डिस्कस मिसिबल मीन्स लिक्विड कैन ईजिली डिजोल्व इन वन अनदर तो दो लिक्विड को लिया हमने और दोनों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं मिक्स करने के बाद हमने उनको स्टीयर किया स्टीयर करने के बाद अगर हमने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया एंड वी कैन सी द ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन इफ यू सी द ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ऑन दैट केस वी कैन से दैट दिस इज द मिसिबल सॉल्व दोनों क्या है एक दूसरे में मिसिबल है फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल इन वॉटर अगर हम एल्कोहल को वॉटर में मिक्स करते हैं वीदर इट इज मिथेनॉल और इथेनॉल तो दोनों ही केस में क्या होगा वो वाटर में इजिली डिजोल्व हो जाएगी तो वाटर में जब हम इथेनॉल या मेथनॉल को डिजोल्व करेंगे उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो अगर हम बीकर को बीकर में उसका बना रहे बीकर को अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ टाइम टाइम के लिए आफ्टर सम वी कैन सी दिस इज ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन हम उसके आर देख सकते हैं देर इज नो टर्बिडिटी देर इज नो प्रेसिपिटेशन सो दैट इज वाई वी कैन से दैट दीज टू सोल्वेंट आर फॉर्मिंग मिसबल सोल्यूशन दैट मीन दोनों क्या है एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं तो मिक्सिंग इज मिसेबल एंड इमिसेबिलिटी। तो इमिसेबल में क्या होता है लिक्विड्स आर नॉट सोलबल इन ईच अदर अगर दो लिक्विड हमने लिया और वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं ऑन दैट केस वी कैन सी दैट वी कैन से दैट दिस इज द इमिसिबल सोल्वेंट फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो सोलवेंट को ले रहे हैं एक हमने लिया ऑयल एक हमने लिया वॉटर तो ऑयल को अगर आप वॉटर में डालेंगे एक टेस्ट ट्यूब पर हमने वॉटर लिया उसमें अगर हम ऑयल को डाल रहे हैं तो शेक करने के बाद अगर हम कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए फाइव मिनट के लिए आफ्टर सम टाइम वी कैन सी ऑयल पार्ट इज सेपरेटेड आउट ऑन दी अब ऑफ वाटर सरफेस एरिया तो हम कह सकते हैं कि दीज टू आर इमिसेबल सॉल्विट जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो डायग्राम में सो दिस इज द इमिसिबल इट इज इमिबल आप देख पा रहे होंगे यहां पर क्या है दो सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट और इनके बीच ये एक लेयर फॉर्म हो रही है दैट मीन्स जो सॉल्वेंट है जो इमिसिबल सॉल्वेंट है इनमें से जो लाइटर वाला सॉल्वेंट है लाइटर वाला जो सॉल्वेंट है वो ऊपर जाके कलेक्ट हो गया है और जो हैवियर है वो कहां चला गया है वो नीचे जाके बैठ गया है ठीक है तो बोथ आर नॉट मिसिबल टू इच अदर दैट इज वाई वी कैन से क्या है इनमिसेबल है यहां पर आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में ब्रीफ डायग्राम में कि जो ग्रीन वाले बॉल्स हैं वो हमारे नीचे जाके बैठ गए हैं और जो रेड वाले बॉल्स हैं जो कि दूसरा हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है ऊपर की तरफ आ गया है वट आर वट हैपन इन द केस ऑफ दिस वन यहां पर आप देख पा रहे होगे कि जो रेड वाली बॉल है या ये वाली जो बॉल है वो सब आपस में मिक्स है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पर कहीं पर भी हमको कोई लाइन नहीं दिख रही कोई सेपरेटिंग लाइन नहीं दिख रही है सो so, यहां पर हम कह सकते हैं दिस इज दी एग्जाम्पल फॉर मिसिबल सॉल्वेंट सो दिस इज अबाउट मिसबल एंड इमिसिबल सॉल्वेंट नाव विल नू डिस्कस अबाउट पोलरिटी एंड डिजोल्विंग पावर सो पोलारिटी अनादर इज दर टर्म जिसकी हेल्प से हम डिजोल्यूशन पावर या डिजोल्विंग पावर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब पोलारिटी क्या, क्या होती है नॉन पोलारिटी क्या होती है लेट डिस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है अगर कोई पोलर कंपोनेंट है दैट मीन्स की उसके जो आइन्स है वो इजिली सेपरेट किए जा सकते हैं

पोलर सल्यूट और सॉल्वेंट इट डिजोल्व इन टू पोलर सल्यूट और सॉल्वेंट और नॉन पोलर हुआ तो वो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होगा अगर हम एक पोलर ले लें और एक नॉन पोलर ले लें और उनको डिजोल्व करें तो वो डिजोल्व नहीं होंगे दैट इज इन द केस ऑफ इमेसिबिलिटी सो केमिस्ट यूज द सेम लाइक डिजोल्व लाइक दैट मीन्स पोलर सल्यूट टेंस टू डिजोल्व इन पोलर सोलवेंट

हाइड्रोजन आयन एन हाइड्रोक्साइड आयन तो वॉटर क्या हमारा पोलर की कैटेगरी में आता है ऑन द अदर हैंड ऑयल इज इन दी नॉन पोलर कैटेगरी तो दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो एक नॉन पोलर एक पोलर है दैट इज द रीजन दे आर इनमिबल इन नेचर सो ये बात हो गई हमारी पोलरिटी एंड नॉन पोलरिटी की लेट जस्ट डिस्कस अबाउट सोलिबिलिटी कर्व्स इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट सोलिबिलिटी कर्व्स यू कैन ईजिली apply this property in to the formulas or aap formulas ke help se easily kya kar sakoge usko solve kar sakoge so solubility curves mein yahan par hum dekh pa rahe hain this is the first axis and this is the second axis to so, do axis hai yahan par x axis and y axis तो एक axis पर हमने क्या लिया solubility सोलिबिलिटी ली है किसमें ली है? gram of salt in इन gram of water। ठीक है तो यहां पर हम साल्ट लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट साल्ट हमने लिए हैं विल टेक सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम नाइट्रेट लेड नाइट्रेट कैल्शियम क्लोराइड ठीक है अलग अलग साल्ट हमने लिए हैं जिनकी यहां पर हमने क्या दिखाई है सोलिबिलिटी दिखाई है ऑन द है। अदर हैंड अदर साइड हमने टेम्परेचर्स लिए हैं जीरो से लेकर के हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक तो जनरली जो सॉलिबिलिटी कर्ज होता है इनके दो ही चीजें हम लेते हैं पहला सोलिबिलिटी दूसरा क्या है टेम्परेचर बिकॉज़ टेम्परेचर की हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई दोलबिलिटी कंपोजिशन सो जनरली द सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड सोलूट एंड लिक्विड सोलवेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर तो जनरली होता गया है टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे सोल्यूट की सोलवेंट में डिजोल्यूशन पावर बढ़ती जाएगी जनरली ऐसा होता है बट आफ्टर सम टाइम आफ्टर आ पर्टिकुलर टाइम क्या होगा इट सोल्यूट जो है फर्दर मोर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होगा तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि हो क्या रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सोलिबिलिटी हमारी बढ़ती जा रही है फॉर एग्जाम्पल एनएन टू केस में uh, बढ़ती जा रही है एंड इफ यू टॉक अबाउट कैल्शियम क्लोराइड तो पहले वो क्या रही है बढ़ रही है फिर एक टाइम के पास जाकर के क्या हो जा रही है स्टेबल हो जा रही है ठीक है एनए या लेट नाइट्रेट के केस में के स्ट्रेट बढ़ रही है ठीक है केसीएल के केस में भी बढ़ रही है बट इससे कम ठीक है उसके बाद अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो बढ़ रही है बढ़ती जा रही है बट एक टाइम के बाद जाकर के वो क्या हो जा रही है लिमिटेड हो जा रही है एंड सो ऑन अदर केसेस में भी ऐसा ही हो रहा है तो जनरली ओवरऑल ओवरऑल हम ये मानते हैं कि जनरली जो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सोलिबिलिटी क्या होती है हमारी बढ़ती जाती है बट

तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे अबाउट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई सो इफ यू कैन सी इन द इन योर स्क्रीन देयर इज अ क्वेश्चन हाउ मच पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व्स इन हंड्रेड ग्राम ऑफ हंड्रेड एमएल एच2ओ टू ओ एट 50 डिग्री सेल्सियस तो यहां पर दो चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी एक तो हमें मिल रहा है टेम्परेचर दूसरा हमें मिल रहा है कंसेंट्रेशन तो विद हेल्प ऑफ दीस टू वी कैन आइडेंटिफाई सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई क्या करना होगा हमें इसके लिए डिस्कस। फर्स्ट फाइंड द लाइन ग्रीन अब यहां पर किसकी बात हो रही है पोटेशियम नाइट्रेट की बात हो रही है तो पोटेशियम नाइट्रेट किस कलर से शो हो रहा है ग्रीन कलर की लाइन से दिस वन ठीक है, सेकेंड क्या है फाइंड द टेम्परेचर एंड फॉलोइंग अप टू लाइन, दैट मींस जो रेड आरो आपको दिख रही होगी ये ठीक 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है आप देख पा रहे होंगे 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और इसकी हेल्प से हमने देखा कि यहां पर कहीं पर टेम्परेचर जाकर के वो स्टॉप्स हो जा रहा है फर्दर राइज अप नहीं हो रहा है नेक्स्ट रीड अक्रॉस दाई एक्सिस एंड दिस इज आंसर. दैट मींस अगर हम इस एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ देखें हेल्प ऑफ ब्लू एरो तो यही क्या है हमारा आंसर तो ये तो जो एरो मिडिल पर तो नहीं आ रही मिडिल से थोड़े ऊपर है मिडिल से थोड़े ऊपर है दैट मीनस वी कैन से दैट दिस इज दी हाउ मच अबाउट 87, यानी कि 80 और 90 के बीच में है, that means, approximately 87 इसको चल सकते हैं तो हम करेंगे क्या solubility curve की हेल्प से यहां पर है क्या सोलिबिलिटी हमने वाई एक्सिस पे ली है एक्स एस पे एक्स एक्सिस हमने क्या लिया टेम्परेचर लिया डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर टेम्परेचर आपको दिया रहेगा विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर आपको करना क्या है एक एरो बनानी है ठीक है जहां पर भी वो टेम्परेचर फर्दर राइज अप होने पर उसकी कंसेंट्रेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा उसके ठीक सामने आपको सोलिबिलिटी उसकी मिल जाएगी और अगर वो ठीक मिडिल पे आ रही है तो उसका हाफ ले लेंगे और अगर मिडिल के ऊपर या नीचे आ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर लेंगे सो दिस इज अबाउट सोलिबिलिटी सो दिस इज अबाउट दिस सेशन इन दिस सेशन वी हैव बिन डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर्स डिफरेंट काइंड ऑफ सोलवेंट्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सोलवेंट्स उसके बाद हमने डिस्कस किया पोलारिटी नॉन पोलरिटी सॉल्वेंट सो नॉन पोलर और पोलर में क्या सिमिलैरिटीज होती है क्या डिफरेंस होता है ये हमने डिस्कस किया एंड लास्टली वी हैव बीन डिस्कस अबाउट दी सॉल्युबिलिटी कब सो दिस इज अबाउट टुडे सेशन थैंक यू